प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड का जलप्रपात। और झारखंड के जलप्रपात में ये देखेंगे कि कौन सा जलप्रपात कौन से जिला में है, कौन से नदी पर है और कितनी ऊंचाई पर है। क्वेश्चन जलप्रपात में ऐसा पूछा जाता है कि यह जलप्रपात कौन सा जिला में है, इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है और कौन सा नदी पर है। और इसे समझने और इसे जानने के लिए हम लोग फिगर का सहयोग लेंगे, किंतु सबसे पहले समझ लेते हैं कि जलप्रपात क्या है। जलप्रपात क्या है? जलप्रपात देखिए, जल का अचानक परत के रूप में गिरना जलप्रपात कहलाता है। अकस्मात गिरना जलप्रपात कहलाता है, अचानक गिरना जलप्रपात कहलाता है। जल का अचानक परत के रूप में नीचे गिरना ही जलप्रपात कहलाता है। ठीक है, जलप्रपात का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि मान लीजिए आप कोई नदी बह रही है, कोई नदी बह रही है, उस नदी में अचानक कहीं पर जल का परत दर परत के रूप में गिरे तो हम उसे क्या कहेंगे? जलप्रपात। इसमें क्वेश्चन बार बार झारखंड का जेपीएससी सीजीएल सब में पूछा जा रहा है कि कौन सा जलप्रपात कौन सा नदी कौन सा जिला में है। देखिए, बूढ़ा घाग जलप्रपात लातेहार जिला में है, हुंडरू जलप्रपात रांची में है, दशम जलप्रपात रांची में है, हिरणी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है, रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ में है, उसरी जलप्रपात गिरिडीह में है, मोतीझरा जलप्रपात राजमहल में भी है। इसके अलावा अन्य जलप्रपात है, किंतु इसे आप याद रखने में बड़ा ही मेहनत करेंगे और ये पाई चार्ट याद नहीं रहता है, याद रखने में बड़ा कठिनाई करता है। इसीलिए आप इसे पाई चार्ट के आधार पर ना रख के याद, आप रखें फिगर के आधार पर याद। आप इसे याद रखेंगे इस प्रकार से फिगर पर। इसमें हमने क्या किया है, जो जिला जहां पड़ता है झारखंड में, उस जिला में जो भी जलप्रपात है वहां से हमने एरो खींच के उस जिला के पड़ने वाले जलप्रपात को हमने रखा है। जैसे रांची, रांची में कौन जलप्रपात है, हमने यहाँ देखा हुंडरू। कहाँ है रांची? तो रांची से हमने एरो खींचा हुंडरू, यहाँ हमने लिख दिया हुंडरू जलप्रपात। दशम कहाँ है? रांची। रांची से हमने एरो खींचा, यहाँ लिख दिया दशम। इस प्रकार से झारखंड का संपूर्ण जलप्रपात एक ही फिगर में, ना पाई चार्ट के रूप में, उसे फिगर के रूप में रखे हैं, पाई चार्ट के रूप में नहीं। और आप इसे अपना कॉपी में इसी प्रकार से नोट कर लेंगे, ये आपको याद रहेगा। और यही याद रखने का सबसे साधारण सरल मार्ग है जो ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। कुछ पहले समझ लेते हैं, बूढ़ा घाग या लोधा जलप्रपात लातेहार जिला में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई 137 मीटर है। नोट करते जाएंगे अपना कॉपी में, 137 मीटर है। फीट में जाएंगे तो 450 फीट है, फीट में जाएंगे तो 450 फीट है। यह जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी पर है। हमने पिछली क्लास में उत्तरी कोयल नदी बताए थे और उसमें वीडियो बना के भी आपको दे दिए हैं। उत्तरी कोयल नदी पर बुढ़ा घाग या लोधा जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात रांची में है, इसकी ऊंचाई किसी में 74 मीटर है तो किसी में 98 मीटर दिया गया है। आप इसे याद रखेंगे, हुंडरू में कौन सा नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। रांची से नगड़ी से होते हुए जो नदी निकलती है, आप पिछला वीडियो देख लेंगे नदी का। चलिए हम आते हैं यहाँ पर, पाई चार्ट में हमने सारा जलप्रपात नहीं रखा है, उसे फिगर के रूप में सारा जलप्रपात रखा है जो आज हम लोग देख लेते हैं फिगर में, और यही याद रहता है। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं रांची। रांची में सोनुआ जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, दशम जलप्रपात। देखिए, गौतम धारा जलप्रपात को ही जोनहा जलप्रपात कहा जाता है, जोनहा जलप्रपात कहा जाता है। ये सभी चारों जलप्रपात जो है वो रांची जिला में पड़ता है। आते हैं पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में धारागिरी जलप्रपात है, जो पूर्वी सिंहभूम के घाट शिला क्षेत्र में पड़ता है। धारागिरी
पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में हिरणी जलप्रपात है, हिरणी जलप्रपात है। खूंटी, इस जगह पर आपका जिला आएगा खूंटी। खूंटी में पंचघाघ है और पंचगढ़, दो जलप्रपात हैं। गुमला, गुमला में आप जाएंगे तो मिलेगा हैपाद, नागफेनी, प्रेमाघाघ। ये तीनों जलप्रपात गुमला में, हैपाद, नागफेनी, प्रेमाघाघ, तीनों गुमला में हैं। घर घरिया जलप्रपात लोहरदगा, लोहरदगा, लोहरदगा में घर घरिया जलप्रपात है। और घाघरी जो है वो लातेहार में, लातेहार में सर्वाधिक जलप्रपात है, जो उत्तरी कोयल नदी का क्षेत्र पड़ता है। बूढ़ा घाघ या लोधा या लोध जो है वो कहाँ है, लातेहार में, घाघरी लातेहार में। गौतम, गौतम धारा अलग है और गौतम जलप्रपात अलग है। गौतम धारा आपका रांची में या जोरहा भी कहा जाता है गौतम धारा को, किंतु यहाँ लातेहार में गौतम जलप्रपात है। कांति जलप्रपात आपका लातेहार जिला में पड़ता है। कोडरमा में सतवागन, कोडरमा में सतवागन जलप्रपात है और गिरिडीह में उसरी जलप्रपात है। राजमहल वाला पहाड़ी जो पांच जिला इधर पड़ता है उसमें आपका मोती झरा जलप्रपात है, राजमहल पहाड़ी में मोती झरा जलप्रपात है। देखिए स्वर्णरेखा नदी जिधर से गुजरती है उधर से हुंडरू जलप्रपात पड़ता है। बूढ़ा घाघ जहाँ है उधर से उत्तरी कोयल नदी पड़ता है। दशम जलप्रपात ये छोटी सी सहायक नदी ही है किसका, स्वर्णरेखा का। वो दशम जलप्रपात स्वर्णरेखा का सहायक नदी कांची पर स्थित है, कांची पर स्थित है। इसकी ऊंचाई यदि देखा जाए दशम जलप्रपात की तो 40 मीटर है, 40 मीटर है इसकी ऊंचाई। और आज इस प्रकार से हम लोग जलप्रपात देखनी है, इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, पाई चार्ट की तरह नहीं फिगर की तरह, और आप इसे लिख लेंगे और जलप्रपात का टॉपिक आपका समाप्त होता है। यदि बढ़िया लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अगला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे झारखंड का, वो झारखंड का परिवहन देखेंगे। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों ने बोला था कि सर झारखंड का फिगर बनाने सिखा दिए लेकिन फिगर एक बार जिला सबका बैठा दीजिए, हम यहाँ बैठा देते हैं, रुक जाए। विद्यार्थियों आप लोगों ने ये कहा था कि सर झारखंड का फिगर एक बार आप जिला को पूर्ण रूप से बैठा के बता देंगे। देखिए हमने पिछली क्लास में वीडियो बनाया था उसमें झारखंड को बनाने सिखाया था, तो सबसे पहले आप एक चतुर्भुज बनाएंगे और उस चतुर्भुज में चारों कोनों में चारों जिला को काट देंगे, आपका चारों जिला निकल जाएगा। और आप जिस जिला से हैं उस जिला, मान लीजिए हमने पिछले वीडियो में गिरिडीह को उदाहरण लिए थे, और गिरिडीह के संपर्क वाला सभी जिला को आप रख लेंगे, देवघर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, ये सभी जिला जाकर के गिरिडीह के पड़ोसी में हैं। इसके बाद बोले थे आपको कि आप याद रखेंगे राजधानी, और राजधानी यदि आप याद रख लेते हैं तो इसके इर्द गिर्द का सभी जिला याद कर लेंगे। इतना काम आप यदि कॉपी में किए होंगे तो आपका झारखंड का जिला सरलता से याद रह जाएगा, सरलता से याद रह जाएगा, कहीं कोई किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। आप ये काम अपने कॉपी में करेंगे और पिछले वीडियो को आप देख लेंगे, इस चतुर्भुज के शेप के आधार पर हमने झारखंड का फिगर बनाने आप लोगों को सिखाया था, जो इस प्रकार से बोले थे कि आप लोग झारखंड का फिगर बना लेंगे और चारों कोनों में चार जिला काटेंगे, फिर आप अपना पड़ोसी जिला, अपना जिला जाएंगे उसका पड़ोसी जिला देख लेंगे और राजधानी रांची, इतने जिले यदि याद हो जाते हैं तो आपको इस प्रकार से मानचित्र में कोई भी झारखंड का टॉपिक बैठाना आसान हो जाएगा और आपके लिए ये सरल हो जाएगा। जिला बैठाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आप इसमें जो भी है वो याद कर लेंगे, याद हो जाएगा, पिछला वीडियो आप जा कर के देख लेंगे। कल हम लोग देखेंगे झारखंड का संपूर्ण नदी का क्लास, संपूर्ण नदी का क्लास।